हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रामा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे ड्रामा, और ड्रामे के साथ साथ जो नोवल है, नोवल और ड्रामा दोनों फॉर्म जो है वो किस तरह से अलग हैं। एक जो ड्रामा होता है वो उसका जो कंपोजिशन होता है वो किस तरह से होता है, एक्सपोजिशन, ग्रोथ, क्लाइमेक्स और उसके एंड को क्या कहा जाता है। इसी के साथ साथ ड्रामे में जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। एलिजाबेथन जो ड्रामा था उसके जो क्वालिटीज हैं उनको हम लेंगे, और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन जाते हैं ड्रामे से रिलेटेड उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कई क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर से ही मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को पूरा देखिएगा कोई भी पॉइंट ताकि मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ड्रामा की बात करें तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। इसकी ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से मानी जाती है, और ग्रीक वर्ड होता है एक ड्रेन। ये ग्रीक से ओरिजिन हुई, यानी ड्रेन जो वर्ड है वहां से ये लिया गया है, और ड्रेन का जो मतलब होता है वो होता है डू और एक्ट, मींस कोई काम करना। तो चलिए इसकी ओरिजिन की ही बात करते हैं। ओरिजिन रही है इसकी ग्रीक, और जो वर्ड है वो है फ्रेंड्स ड्रेन, और इस ड्रेन का जो मीनिंग है वो क्या है, डू और एक्ट। तो ग्रीक इसकी ओरिजिन, क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कहां से ये ओरिजिन हुई है, ये फॉर्म कहां से आई है। अब देखिए, बात कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्रामा और नॉवल किस तरह से अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, एक जो नॉवल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली एक लॉन्ग नैरेटिव टेल होती है, और वो जो नॉवल होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि नॉवल क्या है, नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव टेल कंप्लीट इन इटसेल्फ, व्हाइल ड्रामा इज नॉट कंप्लीट। जो ड्रामा होता है वो कंप्लीट नहीं होता, क्लियर। तो चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए सबसे पहले कि अ नॉवल, क्योंकि आगे हम नॉवल की ही बात करने जा रहे हैं, नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव टेल कंप्लीट इन इटसेल्फ, वाइल ड्रामा इज नॉट कंप्लीट। अब यहां क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विच फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि नीचे जो दी गई है फॉर्म उनमें कौन सी कंप्लीट होती है या कौन सी कंप्लीट नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि जो रीडर होता है वो नॉवल को प्राइवेट में एंजॉय करता है, रीडर ने बुक ली और प्राइवेटली उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन जो ड्रामा है वो एक पब्लिक अफेयर होता है, वो एक पब्लिक इवेंट होती है, यानी जब ड्रामा परफॉर्म होता है स्टेज पे तो पूरी पब्लिक एंजॉय करती है, कोई इंडिविजुअल एंजॉय नहीं करता, सब एंजॉय करते हैं उसको। तो अ रीडर एंजॉयज अ नॉवल इन प्राइवेट, नॉवल इन प्राइवेट व्हाइल अ ड्रामा एंटरटेन्स द पब्लिक। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स, समझ में आ गई। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि जो नॉवल होती है उसकी जो लेंथ होती है उसकी अगर बात करें तो वो अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है। नॉवल के लिए जो राइटर है उसको ये नहीं सोचना कि मुझे स्टोरी कितने वर्ड्स में खत्म करनी है, कई बार वो उसकी सीरीज भी बना सकता है, और कई बार वो लेके 100 पेजेस से 1000 पेजेस तक का नॉवल हो सकता है। लेकिन जो प्ले की अगर बात करें, ड्रामा की अगर बात करें, तो ड्रामा
वो पब्लिक इवेंट होती है जिसको ऑथर लगभग 3 घंटे में खत्म करता है। तो स्टेज पे लगभग 3 घंटे से ज्यादा उसका परफॉर्मेंस नहीं होता, तो इसलिए उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ भी लिमिटेड हो जाती है। क्लियर हुई बात? यानी जो नॉवल की होती है अनलिमिटेड लेंथ। और जो ड्रामा होता है फ्रेंड्स वो लिमिटेड लेंथ का होता है। और कितनी होती है? 3 आवर्स उसकी लेंथ होती है, 3 घंटे में, ताकि वो परफॉर्म हो जाए। अब अगर हम एक ड्रामे की बात करें तो ड्रामे की जो डिवाइसेस होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं जो ड्रामा है पोएट्री के साथ साथ वो भी एक बड़ी प्राचीन फॉर्म रही है। और ड्रामा अगर हम देखें तो जो एलिजाबेथन एज रही है, उस एलिजाबेथन एज में जो इंग्लिश ड्रामा है वो अपने पीक पर था, वो अपने चरम पर था। बहुत सारे ड्रामेटिस्ट रहे और एक बड़ा जो माध्यम था एंटरटेनमेंट का वो ड्रामा था। उसी दौरान विलियम शेक्सपियर आए और विलियम शेक्सपियर के समकालीन बहुत सारे ड्रामेटिस्ट आए, बहुत सारे ऑथर्स आए जिन्होंने ड्रामे पर काम किया। फ्रेंड्स इस ड्रामे को अगर हम देखें तो ड्रामे में किसी भी जो कोई भी जो ड्रामा होता है उसमें कई पार्ट होते हैं, पूरे ड्रामे में कई पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए ड्रामे को शुरू होने से पहले यानी ड्रामे की एक बैकग्राउंड होती है, कोई भी काम होता है उसकी एक बैकग्राउंड होती है। और यानी काम शुरू होने से पहले की जो घटना होती है, जो एक प्लानिंग होती है, वो बैकग्राउंड होती है। तो उसी बैकग्राउंड को यहां जो टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं एक्सपोजिशन। और क्या है एक्सपोजिशन? क्या है ये? आपको नया टर्म लग रहा होगा लेकिन इसके नीचे मैं लिख दूं ये क्या है। बैकग्राउंड, बिफोर एक्शन स्टार्ट्स। क्लियर हो गए फ्रेंड्स बात? एक्शन के स्टार्ट होने से पहले एक बैकग्राउंड होती है, तो उस बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं? एक्सपोजिशन कहते हैं। अब एक्सपोजिशन के बाद जो प्ले होता है, जो ड्रामा होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है आगे, और वो बढ़ता रहता है। और जब वो बढ़ता रहता है तो जो उसकी बढ़ने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और जो ग्रोथ होती है ड्रामे की, जो प्ले की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होते होते वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो उसका क्लाइमेक्स होता है, मीन्स जहां वो अपने चरम पे होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स। क्लियर फ्रेंड्स? कोई भी पिक्चर होती है हम सिंपली समझ सकते हैं, तो उसका एक क्लाइमेक्स होता है चरम। और चरम के बाद जब उसका जो ढलान होता है उस ढलान को हम नाम देते हैं रिजोल्यूशन। बात क्लियर हो गई? और जब रिजोल्यूशन होता है और रिजोल्यूशन के बाद जो है वो ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। तो एंड, अब एंड में भी 2 कंडीशन होती हैं। अगर वो कोई कॉमेडी है या ट्रेजडी हो सकती है। अगर वो कोई ट्रेजडी है तो उसका जो एंड होता है उसको हम नाम देते हैं कैटास्ट्रॉफी। किसमें होता है फ्रेंड्स? यो ट्रेजडी में, यानी किसी ट्रेजडी का। अब जो क्वेश्चन, कई क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे आपके। इसके बाद अगर कोई कॉमेडी है तो उसका जो एंड होता है उसको हम कहते हैं डिनाउमेंट। एक तो इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना है, स्पेलिंग भी इसकी पूछी गई है, DENOUEMENT। इसमें ई आ रहा है, खास बात बीच में ये है, इसको हम कई बार मिस कर जाते हैं। डिनाउमेंट, डिनाउमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये कॉमेडी का एंड होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेजडी का एंड क्या कहलाता है, वहां डिनाउमेंट भी ऑप्शन में होगा और कैटास्ट्रोफी भी होगी। तो एक ट्रेजडी का जो एंड है वो कैटास्ट्रोफी कहलाता है, एक कॉमेडी का जो एंड होता है वो डिनाउमेंट कहलाता है। क्लियर?
जो बैकग्राउंड होती है उसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं, उसके बाद प्ले की ग्रोथ होती है, ड्रामे की ग्रोथ के बाद जहां वो पूरा एंटायर प्ले जो है हमारा चरम पे होता है उसको क्लाइमेक्स कहते हैं, उसका ढलान रिजोल्यूशन कहलाता है और अंत उसका एंड जो है वो कैटास्ट्रॉफी या डिनाउंसमेंट कहलाता है। इसके अलावा एक चीज और होती है फ्रेंड्स, प्रोलोग और इपीलोग। कई बार कुछ प्ले ऐसे होते हैं कि प्ले के शुरू होने से पहले राइटर कोई बात कहनी चाहता है तो उसको हम कहते हैं प्रोलोग। और कई बार क्या होता है, कुछ प्ले ऐसे रहे हैं शेक्सपियर के जिनमें प्ले खत्म हो जाता है, प्ले खत्म होने के बाद अलग से कोई बात वहां बताई जाती है तो उसको हम कहते हैं इपीलोग। क्लियर? यानी प्रोलोग पहले होता है और इपीलोग बाद में होता है। और ये जरूरी नहीं है, किसी में प्रोलोग हो सकता है, किसी में इपीलोग हो सकता है और हो भी नहीं सकता, वो तो ड्रामेटिस्ट के ऊपर होता है। क्लियर? प्रोलोग पहले होता है, इपीलोग बाद में होता है, दोनों अपोजिट हैं। और प्रो से आप समझ सकते हैं, प्रो जो है वो बताता है पहले को, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि प्रोलोग क्या है। प्रोलोग वो पीस होता है जो किसी प्ले से पहले होता है, प्ले की स्टार्टिंग से पहले जो होता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब कोई भी जो प्ले होता है उस प्ले में ऑथर टेक्निकली बहुत सारी जो चीजें हैं उनको वो वहां ऐड करता है, बहुत सारे टेक्निकली उसके पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें प्ले की तो प्ले में एक डिवाइस यूज होती है और वो बड़ी फेमस डिवाइस है, अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है उससे और आप जानते भी होंगे, वो होती है सोलिलोकी। क्लियर फ्रेंड्स? सोलिलोकी। सोली लोकी। अब सोली लोकी का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये सोलस से आया है, सोलस का मतलब है सेल्फ और लोकस का मतलब होता है स्पीक और टॉक। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है सोली लोकी का, मीन्स टॉकिंग टू सेल्फ। क्या निकल कर आया फ्रेंड्स? टॉकिंग टू सेल्फ। दो वर्ड हैं, सोलस प्लस लोकस, उनसे मिलके बना हुआ है और अर्थ निकला इसका टॉकिंग टू सेल्फ, यानी अपने आप से ही बात करना। अब देखिए क्या होता है जब कोई एक्टर होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा आप क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। जब कोई एक्टर होता है स्टेज पे, वो जोर से कोई बात सोचता है, वो जोर से कोई बात कहता है, अपनी जो इनर फीलिंग्स है उनको वो एक्सप्रेस करता है, अपनी थॉट्स है उनको वो एक्सप्रेस करता है और वो इतनी तेजी से उनको एक्सप्रेस करता है कि ऑडियंस तो उसको सुन सकते हैं। क्लियर? लेकिन वो ये मानता है कि जो बाकी एक्टर स्टेज पे खड़े हैं वो उसकी बात को नहीं सुन रहे। अब देखिए प्रैक्टिकली सोलिलोक्वी पॉसिबल नहीं है, ये केवल एक डिवाइस है यहां पर, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अगर एक्टर स्टेज पे कोई बात कह रहा है तो ऑडियंस को सुनाई दे जाए और जो साथ में एक्टर खड़े हैं उनको सुनाई ना दे, तो प्रैक्टिकली तो क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन होता है यहाँ। अब चूंकि ये डिवाइस है, प्ले में डिवाइस यूज होती है तो डजेंट मैटर। तो क्या हुआ इसका मीनिंग? मीनिंग ये हुआ कि एक्टर जो है वो थिंक्स अलाउड, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, द एक्टर थिंक्स अलाउड He expresses his inner feelings. Allowed. He expresses his inner feelings and thoughts. क्लियर हो गई बात? वो अलाउड होता है, जोर से सोचता है, अपनी जो थॉट्स हैं या अपनी फीलिंग्स हैं उनको वो एक्सप्रेस करता है और सो लाउडली, इतनी तेज वो उनको एक्सप्रेस करता है दैट द ऑडियंस कैन हियर इट।
कि ऑडियंस उसको सुन सके। बट सपोजली लेकिन ये मानते हुए द एक्टर्स ऑन द स्टेज डू नॉट हियर हिम। क्लियर है बात? कि अब सिंपली समझ लीजिए, कोई एक्टर है स्टेज पे, वो अपने विचार अपनी फीलिंग्स वो शेयर कर रहा है, इतनी जोर से वो बोल रहा है कि वो सामने जो ऑडियंस है उनको सुनाई पड़ रही है, लेकिन जो बाकी एक्टर स्टेज पे खड़े हैं उनको वो सुनाई नहीं पड़ रही। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एक इसी का एक पार्ट होता है, शॉर्ट सोलिलोकी भी होती है जिसको हम असाइड कहते हैं। असाइड क्या है? अ शॉर्ट सोलिलोकी। इसके बाद अगर हम एलिजाबेथन और पोस्ट एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो वहां पर जो था फाइव एक्ट प्लेज जो हैं वो प्रचलन में थे। कब फ्रेंड्स? एलिजाबेथन एंड पोस्ट एलिजाबेथन पीरियड। में फाइव एक्ट प्ले इनवॉग। इनवॉग का मतलब होता है एक इडियम है, इसका मतलब होता है प्रचलन में। फाइव एक्ट प्ले जो है वो प्रचलन में थे। अब एक्चुअल में क्या होता है, कोई जो प्ले होता है उस एंटायर प्ले को ऑथर क्या करता है, प्ले राइट क्या करता है, उसको पीसेज में बांट देता है। जो बड़े भाग होते हैं उनको हम कहते हैं एक्ट सिंपली, और फिर जो एक्ट होता है एक एक्ट में सीन बांट देता है वो, और एक एक्ट में हो सकता है एक सीन हो, दो सीन हो, कई बार वो पांच सात आठ दस 12 सीन तक वहां ले जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फाइव एक्ट प्ले, पांच एक्ट में जो प्लेज है उनको बांटा जाता था, किसमें? एलिजाबेथन एज में और एलिजाबेथन एज के बाद की जो एज रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोग बिजी होने शुरू हो गए। लोग प्राचीन समय में लोगों के पास टाइम ही टाइम था, सब कामों के लिए टाइम था, लेकिन जब लोगों की व्यस्तता बढ़ती चली गई तो फाइव एक्ट प्ले से जो प्ले की लेंथ है वो छोटी हो गई और वो क्या हो गई फ्रेंड्स, वो थ्री एक्ट प्ले हो गए। इसके बाद आ गए वो थ्री एक्ट इस पीरियड के बाद। अब जब थ्री एक्ट प्ले प्रचलन में आ गए और उसमें क्या होता था फ्रेंड, जहां फाइव एक्ट को परफॉर्मेंस में 3 घंटे लगते थे, वहां टाइम घट के 2 घंटे 1.5 घंटे में काम होने लगा। उसके बाद और व्यस्तता आ गई तो अब जो प्ले की लेंथ हो गई वो क्या हो गई, और शॉर्ट हो गए, और वहां क्या हो गए फिर वन एक्ट प्ले जो है वो प्रचलन में आ गए। क्लियर है बात? अब इवन जो है अगर विलियम शेक्सपियर के प्लेज आज की डेट में अगर इंग्लैंड में कहीं परफॉर्म हो रहे हैं तो वो एंटायर प्ले परफॉर्म नहीं होता। मींस वो जो प्ले है वहां जो 3 घंटे 3.5 घंटे जिसकी लेंथ होती थी, अब वो वहां पूरा परफॉर्म नहीं होता, वो अब्रिज्ड फॉर्म में होता है। अब अब्रिज्ड क्या होता है, उस प्ले को भी शॉर्ट कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स? सिंपली आप ऐसे समझ ले जो पुराने समय में फिल्म होती थी, अब से 10 साल 20 साल पहले की फिल्म है मूवीज, वो कुछ फिल्में ऐसी रही हैं वो 4 घंटे की होती थी, जैसे लगान जैसी, मुगले आजम जैसी फिल्म थी वो 4 4 घंटे की होती थी। उससे लोग बिजी होते चले गए, 3 घंटे पे आ गई। 3 घंटे से अब जो फिल्म है 3 घंटे से घट के अब जो फिल्म आती है वो 2 घंटे पे आ गई, और 2 से भी वो घट के और शॉर्ट फिल्में शुरू हो गई। अब शॉर्ट फिल्मों का भी फिर चलन हो गया, यानी 8 10 15 मिनट में देखो एक फिल्म आपकी फिनिश। बात क्लियर? तो यही बात जो है प्ले पे लागू हुई और प्ले की जो लेंथ है वो घटती चली गई। क्लियर? लेकिन एलिजाबेथ के टाइम में, ये एलिजाबेथन और पोस्ट एलिजाबेथन में फाइव एक्ट प्लेज हैं ये प्रचलन में थे। फ्रेंड्स किसी प्ले के अंदर एक कोरस होती है और वो कोरस इंट्रोड्यूस तो की थी मार्लोव ने,
और शेक्सपियर ने उसको यूज किया फर्स्ट टाइम हेनरी फिफ्थ में। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप, कोरस। इसको इंट्रोड्यूस किया मार्लोव, और इसके अलावा इसको जो कोरस को यूज्ड किया शेक्सपियर ने इन हेनरी फिफ्थ, हेनरी फिफ्थ में। क्लियर है बात? फॉर फर्स्ट टाइम, ये भी खास बात थी, पहली बार। दोनों को पॉइंट क्लियर हुए फ्रेंड्स? जो कोरस होती है, अब कोरस का काम क्या होता है? देखिए, कोरस किसी भी प्ले के अंदर जो पास्ट या फ्यूचर इवेंट है उसको वो एक्सप्रेस करने का काम करती है। क्लियर? यानी कोरस एक्सप्लेन्स एनी पास्ट और फ्यूचर इवेंट, और कोरस को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, समूह गान। वहां जो एक्टर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां कोई गाना बजाना जो है वो कर लिया। समूह गान बेसिकली इसका मीनिंग देखें तो समूह गान निकल कर आता है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अलावा एक प्ले का और एक प्रकार होता है, पोएटिक प्ले। तो जो पोएटिक प्ले होता है फ्रेंड्स, ये एक्टेड जो आपका स्टेज होती है, स्टेज पे ये एक्ट नहीं होता। क्लियर? नॉट एक्टेड ऑन स्टेज। और ये है क्या एक्चुअल में, जो आपके पोएट्स रहे हैं, जैसे आपका जॉन कीट्स हो या आपका पीबी शैले हो, इन्होंने भी पोएटिक प्लेस लिखे। विलियम, आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, पोएटिक प्ले उन्होंने भी एक लिखा। तो बेसिकली पोएट्स इसको लिखते थे और ये स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता। क्लियर है? जो स्टेज पे परफॉर्म होता है वो एक नॉर्मल जो प्ले होता है वो स्टेज पे परफॉर्म किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई आपको? मीन्स सिंपली आप ये कह लें, अगर कहीं पोएट जो प्ले राइट है वो दिखाना चाह रहा है कि 1,000 जो हाथी हैं वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, या तोपों की बरसात हो रही है, 5,000 तोप उधर से आ गई, तो उस तरह की चीजें परफॉर्म नहीं की जा सकती स्टेज पे। तो ऐसे ही जो प्ले होता है पोएटिक प्ले, उसको भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हमने पोस्ट एलिजाबेथन की बात कर ली थी और एलिजाबेथन पीरियड की बात कर ली थी अभी पीछे, लेकिन अब हम बात करें अगर प्री एलिजाबेथन प्लेज की, तो उसमें कौन कौन से प्लेज प्रचलन में थे। क्लियर है फ्रेंड्स? इन प्री एलिजाबेथन एज, यानी एलिजाबेथ से पहले जो प्लेज चलते थे वो इस तरह के प्लेज नहीं थे। उनमें नाम आता है सबसे पहले मिरकल प्लेज का, द मिरकल प्लेज, द मिस्ट्री प्लेस। क्लियर फ्रेंड्स? द मिरेकल प्लेस, द मिस्ट्री प्लेस, अब मिरेकल और मिस्ट्रीज क्या है? देखिए, मिरेकल कहते हैं चमत्कार को और मिस्ट्री कहते हैं किसी रहस्य को। शाब्दिक अर्थ इनका ये होता है। तो जो मिरकल प्लेस थे वो जुड़े हुए थे सेंट्स लाइफ से। उनमें क्या बताया जाता था? सेंट्स लाइफ, यानी संतों के जीवन पर वो आधारित होते थे। जो मिस्ट्री प्लेस है वो बाइबल पर आधारित होते थे, यानी कहीं कोई रहस्य दिखाना है तो वो बाइबल पर आधारित है, उसको हम नाम देते थे मिस्ट्री प्लेस। और जो मोरलिटी मोरलिटी प्लेस, इसके बाद एक और टाइप आया, मोरलिटी प्लेस। अब मोरलिटी प्लेस क्या हो गए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक ट्रेंड ये आ गया कि भाई किसी प्ले में आप अच्छाई की जीत दिखाओगे और बुराई की हार दिखाओगे। ये होते थे वॉइस एंड वर्च्यू, यानी
बुराई और अच्छाई को जो बताने वाले प्लेज होते थे उनको हम नाम देते थे मोरलिटी प्लेज। तो ये मिरकल मिस्ट्री और मोरलिटी प्लेज उस समय में आते थे। इसी के साथ साथ एक डिवाइस और वहां फेमस थी, वो थी इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स क्या होते थे फ्रेंड्स? इंटरल्यूड किसी भी प्ले के अंदर एक शॉर्ट प्ले होता है, मीन्स अ शॉर्ट प्ले विद इन अ लॉन्ग प्ले। अ लॉन्ग प्ले, क्लियर? मीन्स एक प्ले चल रहा है, उस प्ले के अंदर एक शॉर्ट प्ले आ गया। जैसे विलियम शेक्सपियर का है हैमलेट, हैमलेट में आता है माउस ट्रैप, एक प्ले के अंदर प्ले खेला जाता है। तो प्ले के अंदर प्ले जो है उसको हम नाम देते हैं इंटरल्यूड। बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें कहाँ प्रचलित थी? ये प्रचलन में थी प्री एलिजाबेथन एज में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नोट कर लीजिए इसको। फ्रेंड्स जब प्लेज परफॉर्म होते थे सबसे पहले, तो उन प्लेज को परफॉर्म करने के लिए एक्टर्स नहीं होते थे। अब एक्टर्स, फिर आपका प्रश्न होगा कि जब एक्टर्स नहीं होते थे तो कौन परफॉर्म करता था स्टेज पे? एक्चुअल में जो मॉन्क्स होते हैं वो प्लेज को परफॉर्म करते थे और वो ही उसमें रोल प्ले करते थे। बाद में क्या हुआ, एक ट्रेड गिल्ड्स जो है वो टाउन में डेवलप हो गए। क्लियर? और ट्रेड गिल्ड्स क्या होते हैं? ट्रेड गिल्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। वो क्या है, वो इसमें आ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एट फर्स्ट द मॉन्क्स परफॉर्म्ड इन अ प्ले, वो परफॉर्म करते थे किसी प्ले में। क्लियर? प्लेज रोल यू कैन से। और बाद में, क्लियर फ्रेंड्स, लेटर इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द ट्रेड गिल्ड्स। अब ध्यान दीजिए, यहां आपको कई बार कंफ्यूजन रहता है, क्लियर नहीं हो पाते टर्म्स। तो ट्रेड गिल्ड्स जो थे बाद में यहां आ गए। और गिल्ड्स क्या होता है? गिल्ड्स कहते हैं फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ये जो गिल्ड है वर्ड, इसका शाब्दिक अर्थ है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। अब क्या करते थे ट्रेड गिल्ड्स? ट्रेड गिल्ड्स जो कनेक्टेड होते थे सिमिलर प्लेसेस को, जो ट्रेड गिल्ड्स हैं वो कनेक्टेड कर देते थे सम सिमिलर प्लेस इनटू सीरीज ऑफ प्लेस। एक जैसे प्लेज हैं उनको वो एक सीरीज में बदल देते थे, और उस सीरीज को कहा जाता था, वहां नाम दे दिया गया साइकिल। क्लियर फ्रेंड्स? यानी ट्रेड गिल्ड्स क्लियर है कि जो ट्रेड गिल्ड्स थे कनेक्टेड सम सिमिलर प्लेज सीरीज। सिमिलर प्लेज को किस में बदल दिया उन्होंने? एक सीरीज ऑफ प्लेज में बदल दिया, और नोन एज क्या नाम दे दिया उसको? साइकल्स। अब अगर बात साइकल्स की आ रही है, तो बहुत सारे साइकल्स उस जमाने में प्रचलित थे। उसमें चेस्टर साइकिल का नाम आता है, यॉर्क साइकिल का नाम आता है, टाउनले साइकिल थी, एक वेकफील्ड साइकिल्स थी, और एक कॉवर्ली साइकिल, कॉवेंटली साइकिल्स थी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो बहुत ज्यादा हमें डिटेल नहीं जाना, तो वो उन दिनों जो था एक यॉर्क साइकिल थी। यॉर्क साइकिल्स वर फेमस इन दोज डेज। क्लियर फ्रेंड्स? मैंने नाम बता दिया आपको, यॉर्क थी, चेस्टर थी, टाउनली थी, वेकफील्ड थी, कई साइकिल्स उस टाइम में परफॉर्म करती थी इन चीजों को। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 15 सेंचुरी का जो इंपॉर्टेंट फेमस मॉरलिटी प्ले कौन सा था? तो वहां नाम आता है एवरीमैन।
एवरी मैन का वह नाम लिया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका आया है, स्पेशली ध्यान रख लेना इसको। अ फेमस मॉरलिटी प्ले ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में ये फेमस प्ले था एवरीमैन। इसके बाद अगर जो मिरकल प्लेज है, मिरकल प्लेज की आप बात करो, तो मिरकल प्लेज में सबसे एक फेमस नाम आता है, द रिसरेक्शन ऑफ लजारस। रिसरेक्शन ऑफ लजारस, डियर फ्रेंड्स इसको देख लेना नाम को, द रिसरेक्शन ऑफ लजारस। और रिसरेक्शन क्या होता है? पुनरुत्थान। क्लियर फ्रेंड्स, पुनरुत्थान लजारस का। ये पॉपुलर मिरकल प्ले था, मिरकल प्ले। अब तो ये याद हो गया होगा मिरकल प्ले क्या था, मोरलिटी प्ले क्या था, और मिस्ट्री प्ले क्या था। क्लियर फ्रेंड्स, तो मोरलिटी प्ले का नाम, एक मिरकल प्ले का नाम, दोनों क्लियर हो गए। और जो मोस्ट पॉपुलर साइकिल है वो मैंने आपको बताई थी, वो यॉर्क साइकिल वहां उन दिनों बड़े प्रचलन में थी, फेमस साइकिल थी। फ्रेंड्स, लेसन आज काफी लेंदी हो गया होगा, आप बोर भी हो रहे होंगे। चलिए आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ड्रामा है इसी से रिलेटेड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरे देखते रहिएगा, और साथ साथ अपना जो रिवीजन है उसको भी जारी रखिएगा। साथ साथ आप वर्ड पावर और अपना जो ग्रामर है उसको भी टाइम दीजिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, शायद जनवरी या फरवरी तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा। चलिए, अगेन बेस्ट विशेस, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।